इस वीडियो के बाद आप फ्लेक्स बॉक्स से एसोसिएटेड इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन और अप्लाई कर पाएंगे फ्लेक्स शॉर्ट हैंड फ्लैक्स रैप फ्लेक्स फ्लो जस्टिफाई आइटम्स अलाइन आइटम्स और सेल्फ अलाइन पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टीज को पढ़ा था अब इन प्रॉपर्टीज को किसी भी फ्लेक्स आइटम पर अप्लाई करने के लिए हमें हर एक फ्लेक्स आइटम पर इन्हें इंडिविजुअली एड करना पड़ेगा आपको नहीं लगता कि इन प्रॉपर्टीज को सारे फ्लेक्स आइटम्स पर एक एक करके अप्लाई करना बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हमारे पास आपके लिए एक शॉर्टकट है हम ये सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसे फ्लेक्स कहते हैं चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहां पर तीन फ्लेक्स आइटम्स हैं जिनके लिए हमने फ्लेक्स शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वैल्यूज को डिफाइन किया है ये वैल्यूज स्पेस से सेपरेटेड है और पहली वैल्यू फ्लेक्स ग्रो के कॉरस्पॉन्डिंग है दूसरी वैल्यू फ्लेक्स श्रिंक के कॉरस्पॉन्डिंग है और तीसरी वैल्यू फ्लेक्स बेसिस है इसका मतलब है कि तीनों फ्लेक्स आइटम्स के लिए फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू जीरो है और फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू फर्स्ट आइटम के लिए जीरो है और दूसरे और तीसरे आइटम के लिए वन है लास्टली तीनों आइटम्स के लिए फ्लेक्स बेसिस वैल्यू टू हंड्रेड पिक्सल्स है अ क्विक क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लेक्स आइटम्स की विथ क्या होगी मैं इस बार इसे एक्सप्लेन या आंसर नहीं करूंगा आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसे खुद कैलकुलेट करना होगा चलिए अब फ्लेक्स बॉक्स से एसोसिएटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो है फ्लेक्स रैप इसे हम फ्लेक्स कंटेनर पर अप्लाई करते हैं फ्लेक्स आइटम्स पर नहीं इसकी सिग्निफिकेंस तब ही होती है जब कंटेनर के पास डेफिसिट स्पेस होता है ये ब्राउजर को अलाउ करता है कि वो आइटम्स को श्रिंक करके एक ही लाइन में फिट करने की जगह उन्हें अगली लाइन में रैप कर दे इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं रैप और नो no रैप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है नो no रैप अगर फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी की वैल्यू रैप पर सेट होती है तो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम्स को अफेक्ट नहीं करेगी चलिए देखते हैं कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी कैसे काम करती है यहां पर इस कोड में हम देख सकते हैं कि फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेनर के लिए डिफाइंड है क्योंकि ये बस फ्लेक्स कंटेनर के लिए ही एप्लीकेबल होती है यहां पर कंटेनर की विथ सारे फ्लेक्स आइटम से कम है इसका मतलब है कि फ्लेक्स कंटेनर के पास डेफिसिट स्पेस है हमने फ्लेक्स रैप वैल्यू को रैप पे सेट किया है अगर हम आउटपुट चेक करें तो हम देख सकते हैं कि थर्ड आइटम सेकेंड लाइन में रैप्ड है क्योंकि फर्स्ट लाइन में इस आइटम के लिए कोई स्पेस नहीं है ऑल्सो नोट करिए कि फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी ने इन आइटम्स को अफेक्ट नहीं किया है क्योंकि कंटेनर की वैल्यू रैप पर सेट है सेट करते हैं आउटपुट में हम देख सकते हैं कि आइटम्स सेम लाइन में अलाइंड है और हम फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को एक्शन में देख सकते हैं क्योंकि उसने आइटम्स को श्रिंक करके कंटेनर के अंदर फिट कर दिया है चलिए अब अगली शॉर्ट हेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं जो है फ्लेक्स फ्लो जिसमें फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज कंबाइंड होती हैं ये फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई होती है, है। चलिए इस प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं यहां पर इस कोड में हम देख सकते हैं कि कंटेनर की दो फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं जो स्पेस से सेपरेटेड है पहली वैल्यू फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है और दूसरी वैल्यू फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड कर रही है इसका मतलब है कि कंटेनर की फ्लेक्स डायरेक्शन वैल्यू रो पर सेट है और फ्लेक्स रैप वैल्यू रैप पर सेट है अब क्योंकि सारे आइटम्स की कंबाइंड विथ्थ कंटेनर की विथ्स से ज्यादा है तो थर्ड आइटम दूसरी लाइन में रैप हो जाएगा क्योंकि फ्लेक्स रैप की वैल्यू रैप है नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई कॉन्टेंट प्रॉपर्टी ये सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर पे ही अप्लाई होती है इसकी सिग्निफिकेंस तभी होती है जब कंटेनर के पास सारे चाइल्ड आइटम्स को प्लेस करने के बाद भी स्पेस अवेलेबल रह जाती है ये ब्राउजर को बताता है कि अवेलेबल स्पेस को मेन एक्सिस के अक्रॉस आइटम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सिर्फ तभी काम आता है इफ़ नन ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स आर अलाउड टू ग्रो इसकी छह वैल्यूज होती हैं फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड सेंटर स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है फ्लेक्स स्टार्ट चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं इस कोड में हम देख सकते हैं कि कंटेनर की विथ फाइव हंड्रेड पिक्सल्स है जिसमें फोर नाइनटी सिक्स पिक्सल स्पेस चिल्ड्रन के लिए है हर फ्लेक्स आइटम को हंड्रेड पिक्सल्स की विथ दी गई है इसका मतलब है कि तीनों आइटम्स को प्लेस करने के लिए जो टोटल वेथ चाहिए वो है थ्री हंड्रेड पिक्सल्स ये हमें कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा वन नाइन्टी सिक्स पिक्सल्स की अवेलेबल स्पेस देता है अब क्योंकि यहां पर कोई भी आइटम ग्रो नहीं कर सकती है तो अवेलेबल स्पेस कंटेनर के अंदर ऐसे ही रहेगी अगर हम आउटपुट में देखें तो हम देखेंगे कि आइटम्स कंटेनर के स्टार्टिंग में प्लेस हैं और सारी अवेलेबल स्पेस एंड में है चलिए अब जस्टिफाई कॉन्टेंट प्रॉपर्टी वैल्यू को फ्लेक्स एंड पर चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आउटपुट में हम देख सकते हैं कि फ्लेक्स आइटम्स कंटेनर के एंड में चले गए हैं और अवेलेबल स्पेस स्टार्टिंग में आ गई है अब अगर हम वैल्यू को सेंटर पे चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अवेलेबल स्पेस दोनों साइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम वैल्यू को स्पेस बिटवीन में चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अवेलेबल स्पेस हर आइटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है ऑल्सो आप नोटिस करिए कि यहां पर फर्स्ट आइटम और कंटेनर एज और लास्ट आइटम और कंटेनर एज के बीच में स्पेस जीरो है और स्पेस वैल्यू के लिए हम देख सकते हैं कि स्पेस हर आइटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर इस केस में पहले आइटम और कंटेनर एज और लास्ट आइटम और कंटेनर एज के बीच में उतनी ही स्पेस है जितनी दो आइटम्स के बीच में है लास्टली जब हम वैल्यू को स्पेस अराउंड पे सेट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्पेस उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यहां पर पहली आइटम और कंटेनर एज और लास्ट आइटम और कंटेनर एज के बीच में स्पेस बस एक यूनिट है एज कम्पेयर टू द स्पेस बिटवीन एनी टू आइटम्स जिसमें दो यूनिट स्पेस है चलिए इस वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं जो है अलाइन आइटम्स ये फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई होती है ये ब्राउजर को बताता है कि आइटम्स क्रॉस एक्सिस के अलोंग कैसे लेड आउट होने चाहिए इसकी चार वैल्यूज होती हैं स्ट्रेच फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड और सेंटर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच होती है stretch, flex start, flex end, चलिए इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं यहां पर कोड में हम देख सकते हैं कि फ्लेक्स आइटम्स के कॉन्टेंट की हाइट अलग अलग है जिसका मतलब है कि फ्लेक्स आइटम थ्री की हाइट चार लाइन के अक्रॉस स्प्रेड हो रही है और पहले और दूसरे फ्लेक्स आइटम कॉन्टेंट की हाइट सेम है हमें पता है कि हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो होती है जिसका मतलब है कि आइटम्स बस कंटेंट को फिट करने के लिए मिनिमल हाइट लेते हैं पर यहां पर आउटपुट में हम देख सकते हैं कि इवन दो सारे आइटम्स का कंटेंट डिफरेंट हाइट का है लेकिन फिर भी वो सब थर्ड फ्लेक्स आइटम के कॉन्टेंट की हाइट के इक्वल है इसका रीजन ये है कि अलाइन आइटम्स की डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रेच होती है जो कहता है कि आइटम्स को क्रॉस एक्सेस के अलोंग तब तक स्ट्रेच होना चाहिए जब तक वो कंटेनर को फिल ना कर दे चलिए अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी वैल्यू को फ्लेक्स स्टार्ट पे सेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हम देख सकते हैं कि आइटम्स ने बस उतनी ही हाइट ली है जितनी कॉन्टेंट को फिट करने के लिए रिक्वायर्ड है ऑल्सो आइटम्स क्रॉस एक्सेस के शुरू में प्लेस्ड है दैट इज एट द टॉप ऑफ द कंटेनर चलिए फ्लेक्स एंड वैल्यू को ट्राई करते हैं इस बार आइटम्स क्रॉस के एंड पर हैं, जो कंटेनर का बॉटम है और जब हम सेंटर वैल्यू को यूज करते हैं हम देख सकते हैं कि आइटम्स क्रॉस एक्सेस के सेंटर में प्लेस्ड हैं, जिसका मतलब है कि कंटेनर के बीच में आप नोट करिए कि अलाइन आइटम्स की वैल्यूज मेन एक्सेस के अलोंग प्लेस्ड आइटम्स को इफेक्ट नहीं करती हैं तो अभी तक हमने देखा कि अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी वैल्यूज को यूज करके हम सारी फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन कर सकते हैं पर अगर हमें कोई स्पेसिफिक फ्लेक्स आइटम को ही क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग अलाइन करना हो और सारे आइटम्स को नहीं तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए हमारे पास सेल्फ अलाइन प्रॉपर्टी है ये इंडिविजुअल आइटम्स पर काम करती है और इसे फ्लेक्स कंटेनर पर अप्लाई नहीं किया जाता है इसकी वैल्यूज और डिफॉल्ट वैल्यूज अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी की तरह ही होती हैं। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं कि यह प्रॉपर्टी कैसे काम करती है अब आउटपुट चेक करते हैं यहां पर कोड में हमने हर फ्लेक्स आइटम के लिए अलाइन सेल्फ की अलग अलग वैल्यू सेट की है पहले आइटम के लिए हमने अलाइन सेल्फ को सेंटर पर सेट किया है और आउटपुट में हम देख सकते हैं कि आइटम क्रॉस एक्सिस के सेंटर में है जिसका मतलब है कंटेनर के बीच में है सेकेंड आइटम के लिए हमने अलाइन सेल्फ को फ्लेक्स एंड पे सेट किया है और आउटपुट में हम देख सकते हैं कि आइटम क्रॉस एक्सिस के एंड पर प्लेस्ड है जिसका मतलब है कंटेनर के बॉटम पर

आप इस टॉपिक में गिवन सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें